हाँ बोला साढ़े मैं जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट वकार अंसारी, मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद राजूल फरंगा साहब की छत पर, जो के शगिर्द हैं उस्ताद हाफिज जवेद साहब और फैसलाबाद उनके शगिर्द हैं मसले कसूर सिटी में। दोस्तों आज सातवीं और फाइनल परवाज है, सातवीं परवाज में माशाल्लाह इस वक्त इस छत की अपडेट यह है कि इनके सात कबूतर 1:07 बेबी पिजन 1:47 पर बैठ चुका है। तो दोस्तों इस लाइव वीडियो में जो बेबी पिजन सात आज घर बैठे हैं उनका आपको लाइव शो करवाते हैं, और जो कसूर की बाकी अपडेट है बाकी छतों की अपडेट है जिन छतों का फाइनल उड़ा हुआ है आज, उसमें आज रसूम कसूर उस्ताद में मजद साहब का भी फाइनल उड़ा हुआ इसी छत के साथ, उस्ताद अशरफ भट्टी साहब शेर कसूर उनका भी फाइनल है, और शेर कसूर वनडे चैंपियन जनाब उस्ताद फयाजुल फरंगा साहब उनका भी फाइनल ही है आज। तो इस हवाले से कुछ गपशप होती है और जो बेबी पिजन अभी बैठ चुके हैं उनका आपको लाइव शो करवाते हैं। 50 के थे तो ले दोस्तों बढ़ते हैं पहले बेबी पिजन की तरफ। अब्दुल्ला भाई आ जाए, अंदर लाइट जा रही है, अंदर ठीक है बस। नौ बच्चे आप दो वैसे कर दो, मोर तो बगैर दूसरी साइड कर दो बाहर कर दो थोड़ी देर बाद। जी तो दोस्तों माशाल्लाह वनडे चैंपियन शेरे कसूर जनाब उस्ताद फयाज और फरंगा साहब उनके ये वो सात बेबी पिजन है जो कि आज 46 टेम्परेचर में माशाल्लाह बेहतरीन परवाजे देकर घर बैठे हैं। फावर खोखर साहब माशाल्लाह अक्सर सोशल मीडिया पर जो नजर आते हैं हमें वो हमारे साथ है इस वक्त। खबर भाई जो 1:47 पर बेबी पिजन बैठा वो कौन सा? ये वाला छोटा सा जो सैफ खान साहब भी आ गए माशाल्लाह काफी दोस्त आ गए। चौधरी सामा नहीं, चौधरी सामा साहब साथ बेबी पिजन जनाब उस्ताद फयाजुल फरंगा साहब के बैठ के खैर खैरियत से घर। तो माशाल्लाह आज 46 टेम्परेचर है, हवा का भी जोर बहुत ज्यादा है, तो बहुत आला परफॉर्मेंस बहुत शानदार परवाज आज की 46 टेम्परेचर और बेबी पिजन दोस्तों अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर अपडेट करता चलूं इस वक्त हम मौजूद हैं वनडे चैंपियन शेरे कसूर जनाब उस्ताद फयाजुल फरंगा साहब की छत पर। दोस्तों बारी बारी जो सात बेबी पिजन का शौक करते हैं हम, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेबी पिजन बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है आपके सामने है। शहजाद अकबर साहब उस्ताद यूनुस बागवान साहब और कसूर उनके शगिर्द वो भी लाइव आ गए हमारे साथ। प्रेम अब्दुल्ला भाई दोस्तों को जरा लाइव शौक करवा रहे हैं परिंदों में काम भाई एक एक बंदे जो बकास पहले बैठा पर उसके बाद बैठा पर उसके बाद बैठा और पिछली परफॉर्मेंस याद थोड़ी बोली पिछली बार कितने गेम में बैठा सी सात मोर लगी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कमेंट आ जन्नी उठ की में उस साइड का तो सही पर वहां से तो माशाल्लाह जी ये जी माशाल्लाह सात स्टंप पे खा चुका है। और दोस्तों आपको हर दिन लाइव आकर बताते रहे टेम्परेचर पहली परवाज
44 टेम्परेचर था, दूसरी प्रवास 46 टेम्परेचर था, आज सातवीं प्रवास आज फिर 46 टेम्परेचर है। और इस इतने हाई टेम्परेचर में माशाल्लाह इन बेबी पिजन्स ने, खास तौर पर कसूर सिटी के बेबी बच्चों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई होगी। और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बताया चाहेंगे कि खबर फोकस आप अपडेट करें हमें। जी खबर भैया, बेबी पिजन क्या परफॉर्मेंस रही इसकी इस साल? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठता रहा है, मौसम खराब में एक दो दिन जरा जैसे बारिश बादलों में बैठा टाइम से, वैसे ही माशाल्लाह एक बजे के बाद बैठते के बाद माशाल्लाह। और खबर भाई, इसका ब्लड लाइन ताल्लुक किससे है? ये उस्ताद हाफिज जुवेद फैसलाबाद, उनके घर का ये बेबी पिजन है माशाल्लाह। उस्ताद साहब से जो गिफ्ट आए हुए अपने बच्चे दोस्तों माशाल्लाह। जनाब खबर फोकस आप हमें अपडेट कर रहे थे कि जनाब ये बेबी पिजन जनाब उस्ताद हाफिज जवेद साहब ऑफ फैसलाबाद, जो कि उस्ताद मोहतरम हैं जनाब उस्ताद फयाज फरंगा साहब के, उनकी तरफ से तोहफे में ये बेबी पिजन आए हुए हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास रही, बहुत ही शानदार रही कसूर सिटी में ये माशाल्लाह को फर्स्ट टाइम पर इस बेबी पिजन की। कितने करेगा? दो चार पांच करेगा, पांच पार का सिर्फ पांच पार का बच्चा माशाल्लाह। जो साथ हाफिज जवेद साहब और फैसलाबाद उनके घर की ब्लड लाइन जी खबर भाई, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बच्चा दूसरी मोर में आज उड़ा है जी जी माशाल्लाह, अच्छा बैठता रहा है, पिछली फड़क भी अच्छा बैठा है, अभी सही बैठा है जी जी। तो खबर भाई ये अपने घर का है या उस्ताद साहब के कहाँ से? ये भी माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह बेबी पिजन उस्ताद हाफिज जवेद साहब और फैसलाबाद, उनके घर का ये बेबी पिजन है माशाल्लाह जी। फैसलाबाद से आया बेबी पिजन उस्ताद हाफिज जवेद साहब की छत से माशाल्लाह छा गए कसूर में जी, कमाल परफॉर्मेंस माशाल्लाह। चार सौ पर का बेबी दोस्ती के बहुत आला माशाल्लाह, बहुत ही शानदार 244-46 टेम्परेचर और छोटे छोटे बेबी पिजन। मैं कहता हूँ कसूर के उस्ताद, कसूर के कबूतर बिला झिझक बेशक दाद के मुस्तहिक हैं। ये तीसरा बेबी दिन आ गया, इसका साइज देखें दोस्तों बिल्कुल मुनासिब है, छोटा सा साइज है। अच्छा जी, पहली प्रवास रात रह गया था और अगली प्रवास दूसरी बाजी वाले दिन वापस आया था। पहली प्रवास 44 टेम्परेचर था दोस्तों, और ये बेबी पिजन की प्रवास मुकम्मल हुई, रात रह गया मतलब कैमरा जरा हिल रहा है, फोकस रहा इस तरह ये चीज। ये माशाल्लाह जी दोस्तों 44 टेम्परेचर में रात रह गया था। और विकास भी इसका ताल्लुक कौन सी ब्लड लाइन से? ये भी उस्ताद साहब फैसलाबाद से। अच्छा, ये माशाल्लाह तीसरा बेबी पिजन भी माशाल्लाह उस्ताद हाफिज जवेद साहब और फैसलाबाद, जो कि शिगिर्द है वनडे चैंपियन शेरे कसूर जनाब उस्ताद फयाज फरंगा साहब के, उनके घर का ये बेबी पिजन है माशाल्लाह। पिछली प्रवास माशाल्लाह 1:20 पर बाजी विन करके बैठा था माशाल्लाह। मेरे दोस्तों बढ़ते हैं परों की तरफ। ये भी 4 वर्ग का ही बच्चा है दोस्तों, माशाल्लाह मियां शुआब, मियां शुआब सब लोग माशाल्लाह। ये दोस्तों 44 टेम्परेचर में प्रवास मुकम्मल नहीं हुई थी, घर नहीं बैठा था माशाल्लाह पहली प्रवास। और अगली बाजी यानी दूसरी प्रवास वाले दिन घर वापस आया था, 11 बजे बैठा था मेरे साथ, 11 बजे बैठा था माशाल्लाह। इसकी हाइट देखें, हर चीज परफेक्ट माशाल्लाह जी। खबर भाई ये कौन सा बेबी पिजन है? ये भी उस्ताद है माशाल्लाह जी। फोकस हाँ
माशाल्लाह। ये तीन दिन पर का विजन खबर भी, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? ये पिछली बाजी भी बहुत अच्छा बैठा है, ये दूसरी स्टंप में है। दूसरी स्टंप में थी, फिरते कैसी रही इसकी विजन की? बहुत अच्छी फिरते, ये एक दो बजे के बाद ही बैठता है। माशाल्लाह दोस्तों, देखा अभी तीन दिन पर का बच्चा है और इस टेम्परेचर में दो तीन माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह। और दोस्तों ये बेबी विजन भी माशाल्लाह उस्ताद फयाज़ुल फरंगा साहब के सादे मोहतरम जनाब उस्ताद हाफिज़ जवेद साहब के घर का, बहुत अल्लाह माशाल्लाह। दूल्हा खड़ा हो, देखे कोई खड़ा बच्चा, देखे क्या बात है माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह दूसरा चौथा पांचवा बेबी विजन है, पांचवा विजन माशाल्लाह माशाल्लाह। खबर भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है हमारे पास? ये आज दूसरी स्टेम में है ये बच्चा, ठीक है। पहले बैठा ये बच्चा 12:08 पे, बड़ी बात है बॉस, इस टेम्परेचर और इस हवा में 12:08 और वो भी बच्चा। अच्छा, इसका ताल्लुक कौन से ब्लड लाइन से है? माशाल्लाह जी, ये पांचवा बेबी विजन आपको शौक करवा रहे मेरे दोस्तों, ये उस्ताद फयाज़ुल फरंगा साहब के घर की ब्लड लाइन है। वैसे ब्लड लाइन ये खबर विकास भाई, खबर भाई कौन सी ब्लड लाइन, टैडी है ये कौन सा है, क्या क्रॉस में? क्रॉस है, ठीक। मेरे ख्याल से लालपुरी और टैडी क्रॉस है। हाँ जी, लालपुरी और टैडी क्रॉस है। माशाल्लाह बहुत अल्लाह माशा। ये पांच पार का बेबी विजन है दोस्तों, ये माशाल्लाह जी जनाब उस्ताद फयाज़ुल फरंगा साहब के घर का बेबी विजन है। ये जी माशाल्लाह छठा बेबी विजन, खबर भी इसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है? ये दूसरी स्टेम में है, पिछली बाजी 1:15 बैठा था, आज 1:26 वो कोई बात नहीं, कंफर्म नहीं, 1 के बाद ही बैठा, 1 बजे के बाद ही बैठा माशाल्लाह। यार 46 टेम्परेचर, तेज हवा, 1:21 पर, ठीक पर। दो पर बच्चा यार, क्या बात है माशाल्लाह। 46 टेम्परेचर, तेज हवा और दोस्तों माशाल्लाह 1:21 पर बहुत अला परफॉर्मेंस। ये भी जनाब उस्ताद हाफिज़ जवेद साहब के घर का बेबी विजन है। ये साहब कौन, बिल्कुल छोटे से वजूद है, परफेक्ट वजूद है। जी विकास भाई और खबर बकर भाई, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? ये आज बैठे 1:47 माशाल्लाह जी, 246 टेम्परेचर, हवा सुबह से मार रही है परिंदों को, बुरा हाल कर रहा है। 1:47 क्या बात, और बेबी भेजन बच्चा माशाल्लाह, और इसका वजूद छोटा था बिल्कुल, क्या बात है दोस्तों, दाद के काबिल है ये उस्ताद और ये बेबी भेजन। 4 पर का बच्चा है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, बिल्कुल वेट लेस। 1:47, 46 टेम्परेचर और हवा से लड़ लड़ के सुबह से बता रहे हैं कि सामने रहा है 1:47 माशा। ये जी माशाल्लाह वो 7 बेबी विजन है जिन्होंने जेठ 2021 सातवीं फाइनल प्रवास पर, ये जो 7वां बेबी विजन है ये जनाब चाचा शोकी साहब हैं, जो शोकर साहब हैं उनके घर का बच्चा है ये माशाल्लाह।
ये सातवें बच्चे का आपको शौक करवाया, ये फर्स्ट बैठा हुआ है, ये जनाब चाचा शोकर साहब उनके घर का माशाल्लाह। और दोस्तों कसूर की अपडेट जो है वो आपसे शेयर करता चलूं, तो गलत ऐसा करेंगे मेरे तरफ करेंगे आप लोग, कसूर की अपडेट आपसे दोस्तों से शेयर करता चलूं। अभी जो इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि जनाब उस्ताद फयाज़ रंगा साहब के साथ विजन 1:47 पर घर बैठ चुके हैं, दोस्तों में कसूर उस्ताद मियां मादे साहब के 6 बैठे हैं, 1 उनका ऊपर है, शेरे कसूर जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के 3 बेबी विजन बैठे हैं, 4 ऊपर हैं, अजहर नियाजी मजहर नियाजी उस्ताद अजहर नियाजी उस्ताद मजहर नियाजी साहब का 1 बेबी विजन ऊपर है। तो और उसके बाद उस्ताद जनाब ताहिर भट्टी उस्ताद ताहिर भट्टी साहब का 1 बेबी विजन ऊपर है, और दोस्तों इन वकार खान साहब जनाब उस्ताद वकार खान साहब के 3 बेबी विजन ऊपर है, 12:00 पर उनका 4th बेबी विजन बैठा था। तो दोस्तों ये अब तक की कसूर की अपडेट थी, और जितने भी घरों का नाम लिया इन तमाम घरों का आज आपस में फाइनल परवाज और सातवीं फाइनल परवाज है ये। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि सबके परिंदे खैरियत से अपने घर बैठे, टेम्परेचर आज बहुत ज्यादा आप अंदाजा ये लगा सकते हैं, मेरा और अब्दुल्ला का पसीना अब्दुल्ला भाई का पसीना से मुंह से फुल भरा हुआ। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों को हमारी ये काबिश हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दिया करें। तो दोस्तों माशाल्लाह ये तारुफ करवाता चलूं, जनाब मियां वकास साहब हैं जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं, सोशल मीडिया वर्क में माशाल्लाह काफी सामने नजर आते हैं, खबर फोकस साहब इसी तरह माशाल्लाह कबूतर पब्लिक को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर अक्सर गर्दिश में होते हैं, अक्सर नजर आते रहते हैं हमें। तो दोस्तों आज ये कसूर की अपडेट आपको दोस्तों ने अभी शेयर की, तो माशाल्लाह ये आज की शक्ति परफॉर्मेंस 1:47 पर का रिविजन, 46 टेम्परेचर, तेज हवा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही माशाल्लाह आज। और जिन उस्तादा कराम माशाल्लाह जनाब रसूल कसूर उस्ताद माजे साहब के 1 बेबी विजन ऊपर है, शेरे कसूर उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के 4 बेबी विजन अभी ऊपर है, जनाब उस्ताद वकार खान साहब उनके 3 बेबी विजन ऊपर है, तो उस्ताद अजहर नियाजी उस्ताद मजहर नियाजी साहब का 1 बेबी विजन ऊपर है, उस्ताद ताहिर भट्टी साहब का 1 बेबी विजन ऊपर है। तो दोस्तों जैसे ही इन तमाम छतों में से कोई भी विजन निकलकर खैर खैरियत से सामने आता है, घर बैठता है, तो इंशाल्लाह वहां से आपकी खिदमत में लाइव हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अपने दोस्त अपने होस्ट वकार इंसारी को जनाब उस्ताद फयाज़ उर्फ रंगा वनडे चैंपियन शेरे कसूर की छत से दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।